जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का वीडियो लेकर आए हैं बच्चों, और इसमें जो हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, ये सेकेंड वीडियो है, पार्ट टू है। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोग क्या पढ़ लिए, तो लिविंग थिंग्स लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक वीडियो इसमें पार्ट वन हो चुका है और ये पार्ट टू है। हम लोग पार्ट वन में बच्चों पढ़े हैं लाइफ क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, अलाइव किसको बोलते हैं, कोई आदमी जिंदा है, अलाइव है, हाउ कैन वी से दैट ही और सी और एनीथिंग एनी मैटर इज अलाइव नॉट डेड, ये पढ़ चुके हैं। लाइफ प्रोसेस है होता है वो क्या होता है, कोई लिविंग थिंग्स है तो उसका क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ये पढ़ चुके हैं। लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं वो पढ़ चुके हैं। व्हाई द एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस ये भी पढ़ चुके हैं बच्चों। एंड वी ऑल्सो स्टडीड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आज द सब्सटेंस दोज आर टेकन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट फॉर एंड दैट इज यूज फॉर द एनर्जी एंड बायोसिंथेसिस। ठीक है, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन पढ़े, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एंड वी वेयर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक पूरा हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऐसा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना, अपना फूड खुद बनाता है। किसके द्वारा, तो इन ऑर्गेनिक मटेरियल को लेता है और ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है। इसमें हम लोग पढ़े हैं इनऑर्गेनिक लेता है, ये ऑटोट्रोपिक में क्या करता है, ये इनऑर्गेनिक लेता है, इनऑर्गेनिक लेगा इनपुट क्या होगा, इनऑर्गेनिक में क्या होगा, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और उसके बाद सनलाइट के हेल्प में ये क्या बनाएगा, ऑर्गेनिक बनाएगा हमारा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो बनाता है वो खाना जो बनाते हैं दैट इज ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये भी पढ़ चुके हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल लेता है और ऑर्गेनिक फूड बनाता है जो खुद से बनाता है। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, जो खुद सेल्फ न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होने के लिए वी मस्ट हैव क्लोरोफिल। कोई भी प्लांट्स में, कोई भी बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं वो भी ऑटोट्रोप्स होते हैं, तो उनके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद पढ़े थे हेटरोट्रोपिक, पढ़े थे हेटरोट्रोपिक क्या होता है, हेटरो मतलब अदर्स, ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म दोज डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड, डू नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड अपॉन द अदर इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ हेटरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज, विच वन, सेप्रोट्रोपिक या सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं इसको, सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक देखिए क्या होता है, सेप्रो की मीन्स होता है रॉटन, ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशन इन ईच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन रॉटन एलिमेंट्स और रॉटन डेड एंड डिकेइंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है बच्चों, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना कहाँ से देते हैं, सड़े गड़े पत्ते होते हैं जो हम लोग खाना का वेस्ट होता है जो फेंक देते हैं, तो वहाँ से लेते हैं ये खाना अपना, या कोई प्लांट गिर जाता है जमीन के अर्थ के कॉन्टेक्ट में आने के बाद वो सड़ने लगता है, पत्ते जो होते हैं गिरने के बाद वो सड़ने लगते हैं, तो सड़े हुए या कोई जानवर सड़ गया है, मर गया उसके बाद सड़ने लगा है, तो सड़े हुए जीवों से या सड़े हुए हमारा सब्सटेंस से जो खाना लेता है उस मोड्स को बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ पैरासिटिक, पैरासिटिक मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, बिना होस्ट, जैसे हमारे बॉडी पे कोई कीड़ा रह रहा है सपोज और वो बिना हमको नुकसान किए हुए अगर अपना खाना ले रहा है, दैट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक। एंड नाउ होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम लोग लेते हैं कि जो भी हमारा खाना लेकर और अंदर पचाता है, इंजेशन डाइजेशन एक्सक्रीशन करता है, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक। होलोजोइक मतलब चिबला के जो खाता है उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग इसको एक एक करके इस तीनों को, सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में स्टडी करेंगे।
तो आप जैसा कि जानते हैं, माय नेम इज इंजीनियर अमजद अली और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने खूबसूरत से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस इन शॉर्ट डीसी क्लास विथ अमेजिंग कॉन्सेप्ट। तो बच्चों आप लोग प्लीज मजा लेते रहिए हर कॉन्सेप्ट का हमारे चैनल पे, साइंस का, मैथ का। एंड प्लीज जो लोग भी नए हैं तो इसके पहले वाले वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। आ जाओ बच्चों, अब वो एक एक करके सभी पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट वन बच्चों, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सेकेंड ही नाम है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो आप सेप्रोट्रॉपिक बोलिए या सेप्रोफाइटिक बोलिए, सेम है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। अभी हम लोग पढ़े थे कि ये सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक थ्री मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर द पार्ट्स ऑफ द हमारा कौन किसका पार्ट है, तो हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये दूसरे पर डिपेंड होता है, अपने से नहीं बनाता है। अब देखिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ बहुत सारी बातें हैं इसमें जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मिलने वाली हैं। तो आप सिंपल से बोल सकते हैं इसको, सेप्रो मीन्स होता है क्या, डेड। सेप्रो मीन्स होता है रॉटेन, सड़ा हुआ, रॉटेन। तो हम लोग इसी से निकाल सकते हैं, सेप्रो मीन्स रॉटेन एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो सो अ सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, सेप्रोट्रॉपिक मतलब जो सेप्रोफाइटिक, जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो सो अ सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ इट्स फूड, निकालता है या टेक इट्स फूड फ्रॉम रॉटेन वुड, सड़ा हुआ वुड से, लीव्स, पत्ते से, रॉटेन ब्रेड एट्सेट्रा। एंड हम लोग हाउस होल्ड भी बोल सकते हैं, जो भी चीज़ सड़ जाएगा, कुछ भी होगा, अगर ये मैं कपड़ा फेंक दूंगा और ये सड़ जाएगा तो यहाँ पे जो नीचे लगेगा, फंजाई लगेगा, ईस्ट लगेगा, दिस ऑल आर कॉल सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है, या सेप्रोफाइट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, सेप्रोट्रॉपिक वर्ड आपको कहीं आ जाए तो सिंपल आप समझिएगा कि ऐसा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना तो लेता है, बट कहाँ से, तो फ्रॉम डेड प्लांट से, फ्रॉम डेड वुड से, फ्रॉम डेड ब्रेड से, फ्रॉम डेड हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल से लेता है। कहीं भी सड़ा गला चीज रहेगा तो वहां से खाना लेने वाला कौन होगा, तो सेप्रोट्रॉप्स होगा या सेप्रोफाइट्स होगा, ठीक है, ऐसा ही ऑर्गेनिज्म होगा। और इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलेंगे हम लोग क्या, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको हम और सजा के लिख सकते हैं, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इज फूड्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स इन एनिमल्स लीव्स एंड हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए इसमें आता है, द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म इट्स कॉल सेप्रोफाइट्स। जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है उसको सेप्रोफाइट बोलेंगे या सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स बोलिए या सेप्रोट्रॉप्स बोलिए। जिस तरह जो ऑटोट्रॉपिक करता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, उस तरह सेप्रोफाइटिक जो करता है दोज आर कॉल सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, फंजाई आप लोग पढ़ा हुआ क्लास 9 में, आप लोग पूरा ये ग्रुप पढ़े हुए हैं, ठीक है, एनिमलिया, प्लांटिया सब हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फंजाई में कौन कौन से, यहाँ पे ब्रेड हो गया, ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड के ऊपर जो राइजोपोरस जो बैक्टीरिया होता है, जो मोल्ड होता है, मतलब ब्रेड के ऊपर जो सतह पे जो होता है ब्रेड मोल्ड्स, इट्स ए टाइप ऑफ फंजाई, इसी के कारण हमारा ब्रेड जो होता है खट्टा खट्टा लगता है। मशरूम भी हो गया और अ टाइप ऑफ फंजाई, ईस्ट हो गया, इट्स अ टाइप ऑफ फंजाई, दिस ऑल अ टाइप ऑफ फंजाई, फंजाई एंड मेनी बैक्टीरिया आर सेप्रोफाइट्स। सिर्फ फंजाई ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है इसके एग्जाम्पल में, दोज आर ऑल्सो सेप्रोफाइट्स हैं बच्चों। तो ये सभी सेप्रोफाइट्स हैं। आप देखिए, फंजाई एंड दिस बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट्स, प्लांट भी बोलते हैं ये, क्योंकि प्लांट में आता है सब। फंजाई एंड बैक्टीरिया को किस में रखा गया, प्लांट में रखा गया, तो हम लोग इसको दूसरा डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स टेक इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस, ठीक है। ऐसे प्लांट जो अपना फूड डेड और डिकेइंग से लेते हैं, इस तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है हमारा, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि प्लांट भी लेता है यहाँ पर, सो अ सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। आपको मन है तो लगाइए, ये जानिए कि दोनों क्या है, ये और ये सभी हमारा प्लांट ग्रुप के हैं। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है याद करने की, यहाँ पे द सेप्रोफाइट्स
break complex organic molecules into simple substance outside its body, then absorbed it. आया समझ में? Means अगर मान लीजिए ये हमारा marker कहीं गिर गया, ये सड़ गया, डीके करने लगा, सड़ने लगा, तो अगर कोई सेप्रोफाइटिक यहाँ पे होगा, वहाँ पे फंजाई जो बन जाएगा या कोई ईस्ट बनेगा, इसको जब खाना चाहेगा तो अपने अंदर लेकर नहीं खाएगा, क्योंकि यूकेरियोटिक होता है, ये सिंगल मॉलिक्यूल का सेल होता है, सिंगल सेल, तो उसके पास उतना कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिक सिस्टम नहीं है, तो इसलिए इस खाने को, इस डेड सब्सटेंस को अपने बॉडी के बाहर ही क्या करता है, सिंपल में तोड़ देता है. द सेप्रोफाइट्स ब्रेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ब्रेक कर देता है इनटू सिंपल सब्सटेंस आउटसाइड इस बॉडी. तो हम बोलेंगे, अगर कोई पूछेगा कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो डाइजेशन होता है हमारे ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड ही होता है, तो ये हमारा सेप्रोफाइटिक है. ठीक है, तो इसमें आउटसाइड बॉडी में आप लोग क्या करता है, सिंपल सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है, समझिए कि उसको और छोटा छोटा कर देता है, और तब उसको क्या करता है, सिर्फ एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सिर्फ एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि सेप्रोट्रोप्स क्या करते हैं, तो ब्रेक कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, देन इसको एब्जॉर्ब करते हैं. चलो जी बच्चों, आ जाओ जी बच्चों, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े हैं, कि इससे पहले पढ़े हैं हेटरोट्रोपिक का एक पार्ट पढ़ लिए हैं, क्या सेप्रोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड होता था, और अपने बॉडी के अंदर लेकर उसको नहीं डाइजेस्ट करेगा, बॉडी के आउटसाइड ही डाइजेस्ट करेगा. अब आ जाइए पैरासिटिक में, देखते हैं क्या होता है. पैरासिटिक में क्या होता है, इट इज़ अ मोड ऑफ न्यू हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक का ही पार्ट है, इन विच जिसमें एन ऑर्गेनिज्म टेक इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. बच्चों यहाँ दूसरे के बॉडी से लेता है, पहले वाले में डेड एंड डिकेइंग से लेता था, लेकिन दूसरे जीवित से लेता है, जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है, और जिस ऑर्गेनिज्म से लेता है उसको बोलते हैं होस्ट बोलते हैं. फर्स्ट वाले में डेड एंड डिकेइंग ले रहा था, कोई भी फंजाई या बैक्टीरिया किसको खा रहा था, तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स को, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को, उसको खा रहा था, और बॉडी के आउटसाइड ही उसको डाइजेस्ट कर रहा था. इस बात को याद रखिएगा, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है फूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है, एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट कहा जाता है. ठीक है, ये बात आपको क्लियर करना चाहिए कि हेटरोट्रोपिक में जो पहला हमने पढ़ा है सेप्रोट्रोपिक, वो डेड एंड डिकेइंग से लेता था, वही फंजाई था, उसमें बैक्टीरिया था, और बॉडी के बाहर ही उसको डाइजेस्ट कराने की कोशिश करता था, उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता था, तब उसको एब्जॉर्ब करता था. लेकिन यहाँ पे कहानी चेंज है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहा है, किसी के, किसके, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से ले रहा है, दोज आर कॉल बच्चों होस्ट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिससे खाना हम ले रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं होस्ट बोलते हैं. पैरासाइट ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट विदाउट किलिंग देम, इसको बिना किलिंग किए हुए, बिना मारे हुए लेता है, जैसे हमारे बालों में जीव हो जाता है, जीव ढील जिसको बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में, तो जीव जो होता है तो हमारे यहाँ से खाना तो लेता है, ब्लड लेता है, जो भी हमारे न्यूट्रिशन उसको चाहिए लेता है, बट हमको मारता नहीं है, डेड नहीं करता है. राउंड वर्म अपने पेट में होता है गोल गोल, वो लेता है हमारा, ठीक है, खाना लेता है. बहुत सारे कीड़े होते हैं जो हमारे पेट पे होते हैं, हमारे बॉडी पे होते हैं, खाना लेते हैं लेकिन हमको मारते नहीं है. तो बच्चों ये किसको, ये पैरासाइट्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट विदाउट किलिंग इट, बिना उसको मारे हुए वहाँ से ले रहा है. ठीक है, द होस्ट में बी अ प्लांट और एन एनिमल, दोनों में से कोई हो सकता है, होस्ट हमारा प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोस्ट चीज, पहले जो हम लोग पढ़े हैं सेप्रोट्रोपिक में पढ़े हैं, उससे हमको बीमारी नहीं होता था, क्योंकि हमारे बॉडी में नहीं रहता था, बाहर रहता था, कहीं रहेगा. लेकिन मोस्ट ऑफ द डिजीजेज यहाँ लगा दीजिए, ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग में, हमारे में, डोमेस्टिक एनिमल जैसे डॉग हो गया, कैटल हो गया, आपका गाय है, भैंस, बकरियाँ हो गई, इसमें एंड क्रॉप्स में जो हमारे फसल है उसमें, कॉज्ड बाई पैरासाइट्स, यानी कि पैरासाइट्स आर नॉट गुड फॉर अस, हमारे लिए अच्छे नहीं हैं. मोस्ट ऑफ द डिजीज जो हमारे लिविंग बींग्स में होते हैं, हमारे जो एनिमल्स में होते हैं, हमारा ह्यूमन एनिमल्स में, घरेलू जो एनिमल्स है उसमें जो होते हैं, हाउस होल्ड एनिमल्स में जो होते हैं, या क्रॉप जो हम लोग खाते हैं, गेहूं, मक्का वगैरह में जो खाते हैं, उसमें जितने भी डिजीज होते हैं तो किससे मैक्सिमम होते हैं, वो हमारे पैरासाइट से होते हैं बच्चों. तो ये डेंजर चीज़ है, इट्स नॉट गुड फॉर अस.
ठीक है, एग्जाम्पल हो गया सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट्स भी हैं, कुछ बैक्टीरिया सेप्रोफाइट्स भी थे, फंजाई भी है, कुछ कुछ फंजाई भी पैरासाइट्स हैं, प्लांट्स जैसे प्लांट्स में आपको कुछ कुत्ता का नाम सुने हो अमर बेल, लत्ती वाला जो पत्ता रहता है जो ऐसे ऐसे जाकर पूरे पेड़ को ढक लेता है, पूरे पेड़ पर एकदम धीरे 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 पतला सा जाकर पूरे पेड़ पर नेट की तरह फैल जाता है और वहीं से खन लेता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिनों के बाद इसको जब उसको ऑक्सीजन नहीं लेने देगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेने नहीं देगा, उसका जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तब वो पेड़ मर जाता है, इसको ये किल नहीं करता है, ड्यू टू लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस वो मर जाता है। तो वहाँ पे अमरबेल एक, ये सभी एग्जांपल आप लिए याद रखिए, कुछ बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्लांट्स में क्या है, अमरबेल है, कुछ कुत्ता इसको बोलते हैं, एंड सम एनिमल्स जैसे प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया को, मलेरिया का बच्चों ये है पैरासाइट्स है, ड्यू टू प्लाज्मोडियम मलेरिया हमारे अंदर होता है, प्लाज्मोडियम अगर हमारे पास आ गया तो ये मलेरिया होगा, हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम किसी तरह घुस गया अंदर तो मलेरिया हमको हो जाएगा। एंड राउंड वर्म आप लोग जानते हैं, ये हमारे पेट में रहता है जो राउंड वर्म, और वो हमारे से खाना लेता है और हमको किल नहीं करता, लेकिन प्लाज्मोडियम इसके कारण हम मारता तो नहीं है लेकिन बीमारी हमको हो जाएगी बच्चों, ठीक है। आज बच्चों पढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, पढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, होलोजोइक। तो देखो बच्चों होलोजोइक क्या आता है, इसमें जो भी एनिमल्स होगा होलोजोइक में वो जो भी खाना लेगा उसको पहले खाएगा, निगलेगा, चबा चबा कर निगलता है, ठीक है, और उसके बाद अपने बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है। ये बात समझिए थोड़ा सा, इस बात को थोड़ा सा समझिए, फर्स्ट वाले में डेड एंड डेकाइंग पर डिपेंड रहता था, सेकेंड वाला में दूसरे पर डिपेंड रहता, दूसरे के बॉडी पर रहकर वहाँ से खाना को लेता है विदाउट किलिंग देम, और थर्ड वन होलोजोइक में किसी बॉडी पर नहीं रहता है, ये क्या करेगा, हमको कोई प्लांट को खाएगा या कोई दूसरा एनिमल्स को खाएगा, लेकिन उसको चबा चबा कर तोड़ेगा, कुछ यहाँ पे तोड़ता है अपने ऊपर माउथ में, देन कुछ डाइजेस्ट करता है अंदर, ठीक है। तो इस तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज़ ए न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड इन टू इट्स बॉडी बाई इंजेशन, इंजेशन के द्वारा जो हम लोग अंदर खाना खाते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन, टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन, इंजेशन के द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर लिया एंड इट इज डाइजेस्टेड देयर, वहाँ पे ये क्या होता है डाइजेस्टेड हो जाता है, डाइजेस्ट का मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट में वहाँ पे टूट जाता है, देन इट इज ऑब्जॉर्ब बाई सेल, पहले डाइजेस्ट होगा, पहले खाना लिया जाएगा इंजेशन के द्वारा, डाइजेशन के द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ा जाएगा एकदम स्मॉल 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 पार्ट में, एंड देन इट इज एब्जॉर्ब बाई द सेल, सब एब्जॉर्ब नहीं होगा, सम पार्ट्स ऑफ दिस फूड रिमेन्स देयर, वहीं पर रह जाते हैं, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड्स आर थ्रोन बाई एक्सक्रीशन या इजेशन भी बोलते हैं, इजेशन के द्वारा, जानते हैं ना सब आप लोग पढ़े हुए हैं 9th क्लास में, इजेशन के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बींग है, एनिमल्स है जैसे मैन, डॉग, कैट, टाइगर, जितने भी एनिमल्स है जो चबा चबा कर खाते हैं, चाहे वो अपने हर्बीवर्स हो या ओमनीवर्स हो कार्निवर्स हो, ये सभी जो है ना हमारा, ये हमारा यही होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करेंगे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाने पर मैं देखता हूँ बोरिंग लगता है आप लोगों को, और दूसरा बात जब इसके बाद हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, देन वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का एक अलग वीडियो बना देंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल का एक अलग वीडियो बना देंगे, तो सही रहेगा वहाँ पे, तो वो सही रहेगा, ठीक है, तो आप लोग मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो जो लोग भी नए हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन होता है आप मेरे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो प्लीज़, अगर जो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, बहुत ही जल्द जैसे ही मैं अभी तो एक जगह फंसा हुआ हूँ, नहीं तो ये लॉकडाउन के कारण अगर मैं अपने घर पे रहता, मैं अपने कोचिंग में रहता तो वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड्स हैं मेरे पास, कैमरा नहीं है, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कैमरा हो जाए, अभी मोबाइल से ही काम चला रहे हैं, देन वी विल गिव यू बेटर प्लेटफॉर्म फॉर साइंस एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।